और ये देखो गाड़ी में बर्फ पूरी कैसे जमी है, बारिश के वो कैसे जमे हुए हैं। नीचे भी पूरी बर्फ जमी हुई है, ये पूरी बर्फ है हाँ, जो ट्रांसपेरेंट दिख हाँ, रही है, तभी इसको ब्लैक आइस बोलते हैं। ये वाला सही है, पता है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ग्रिप नहीं बनती बिल्कुल भी हाँ। ऐसे फिसल रहे हैं, पता है हम ना ओ कितनी लंबी लेयर है यार। इस लड़की को बड़ा मजा आ रहा है ये स्नो हटाने में, मेरे से छीन छीन के वाइपर सा ना ये लेके हटा रही है स्नो, कहीं मैं स्नो हटाऊंगी मैं हटाऊंगी। गेट कैसे खोलना है हाँ। भाई साहब ये देख रहे हो ये पूरी बर्फ जमी हुई है इसके ऊपर। और ये गौरव जून जीता हुआ बर्फ के ऊपर गुरु। ऐसा लग रहा है स्केटिंग कर रहे हैं अपन, जा पाओगे जल्दी आओ बे। कर देंगे हम तुम्हें। शो कर दोगे क्या? कैसे चल रहा है? अरे इसके ऊपर से आ, इसके ऊपर से आ। मिट्टी मिट्टी के ऊपर। मिट्टी के नहीं नहीं, बट उस पे खुरदुरा सा है ना, तो सही रहेगा। आराम से आ रहे हो, आ जाओ। तो आपको हमारी हालत देख के इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि सर्दी ने ना ऐसी तैसी कर रखी है ऐसे वहां पे। तो ये ग्लव्स, ये टोपी और ये जैकेट ना, इसके बिना आप बाहर निकल ही नहीं सकते, मतलब हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसी सर्दी हो रखी है यहाँ पे। और ना सब हाँ। जगह पे यहाँ पे रात को बारिश हुई तो पूरा ब्लैक आइस हो गया, ब्लैक आइस मतलब जैसे फ्रिज में बर्फ नहीं जमती है पूरी एक हाँ। लेयर हो जाती है फ्रीजर में, फ्रीजर में। वैसी हो गई है, तो आप चल भी नहीं पा रहे हो। और टेम्परेचर, और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर -1 है, जो कि आपको लग रहा होगा इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर फील्स लाइक मैंने -5 degrees तक है। और ऊपर से यहाँ पे विंटर स्टॉर्म वार्निंग भी चली हुई है। और ये देखो गाड़ी में बर्फ पूरी कैसे जमी है, बारिश के वो कैसे जमे हुए हैं। नीचे भी पूरी बर्फ जमी हुई है, ये पूरी बर्फ है हाँ, जो ट्रांसपेरेंट दिख हाँ, रही है, तभी इसको ब्लैक आइस बोलते हैं। ये तो क्रिसमस का वीकेंड आ रहा था, हमने प्लान बनाया था कि हम लोग बाहर जाते हैं और थोड़ा डेकोरेशंस वगैरह यहाँ का देख कर आते हैं हाँ। बट वेदर ने हमारा साथ ही नहीं दिया, प्लान कैंसिल करवा दिया, मतलब अब जाने लायक ही नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे भी क्रिसमस लोग इतनी ही मतलब ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में दिवाली मान लो, दिवाली पे लाइटिंग वगैरह अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बाहर मस्त लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं और खाना वाना अच्छा खाना मिलता है, तो वही सब हम देखने जाने वाले थे। तो यहाँ पे 2.5 घंटे दूरी पे ना शहर है लेवनवर्थ, तो वहाँ पर हम गए थे अक्टूबर फेस्ट के लिए, अगर आपने वाली वीडियो देखी होगी तो हाँ। तो वहाँ पे मस्त सजावट वगैरह होती है और काफी इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्नो मोबाइल हो गया या फिर ना वो घुड़सवारी हो गया, वैसा वाली चीजें होती है मस्त स्नो के ऊपर, तो वो करने वाले थे, निकल भी गए थे, सब बुकिंग वुकिंग भी थी, पैकिंग वैकिंग सब कर लिया था, रख भी दिया था गाड़ी में, बट जब हालत देखी हमने गाड़ी की आके, भाई साहब पूरी स्नो जमी हुई है गाड़ी पे, और मतलब नॉर्मल वाली स्नो होना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ब्लैक आइस है ना थोड़ा ज्यादा है, और ऊपर से स्नो की स्नो स्टॉर्म की वार्निंग भी आ गई है, तो मतलब और जो रास्ता है ना वो भी बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे काफी स्नो है, उस वजह से मतलब इतनी स्नो है कि आपको पता ही चलेगा कि ये रास्ता कहाँ से और क्या कहते हैं उसको शोल्डर्स कहाँ पे हैं हाँ, तो कहाँ पे, तो इतनी स्नो हो रखी है, तो इसलिए हमने सोचा कि यार छोड़ो रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, थोड़ा बहुत रिस्क लेना ठीक है बट ज़्यादा रिस्क लेने में पंगा हो जाएगा, तो प्लान हमने कैंसिल कर दिया है। अब बस घर चल के क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अभी और कोई प्लान होने वाला है, बट शाम को देख लेंगे। तो जी पहुँच चुके हैं वापस घर पे, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ से ऊपर कैसे जाया जाए घर के पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लैक आइस है। ओ भे यार बहुत स्लिप हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्लिप है यार, तेरा नहीं हो रहा जूता स्लिप, ग्रिप बनाओ ना यार चलने के लिए, पकड़ो। देखते हैं लेके कैसे जाओगे, लेके तो आई थी मैं।
वैन भी छोड़ दो। चलो चलो देखें। अगर मैं गिर गया ना तो वो वाली क्लिप मत डालना। अच्छा हाँ, ये वाइट वाइट जो आइस है इसके ऊपर चलो। ओ ऐसा, ओ ओ आराम से तो फिसल रहे हैं यार। तो जी आपने देख लिया होगा सुबह का जो हमारा प्लान था 11 बजे जाने का, वो एकदम चौपट हो चुका है। बट फिर हमने सोचा कि यार कोई नहीं, शाम को ना आसपास ही घूम लेंगे, क्योंकि हमारे ही बेलव्यू एक मॉल है, वहाँ पे ना कुछ परेड वगैरह निकलती है तो वो देख लेंगे। बट तो, उसका भी नॉट श्योर क्योंकि हाँ, अभी जो कंडीशन है सुबह वाला ही है, सेम स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, तो हाँ, पता नहीं होगी या नहीं होगी। हाँ, तो हम अभी फिलहाल के लिए आए हैं रेडमंड, जहाँ पे लोगों ने अपने घर इतने मस्त डेकोरेट करे हुए हैं ना लाइटिंग, तो से लाइटिंग्स वगैरह जैसे हमारे यहाँ दिवाली वगैरह पे होती है ना लाइटिंग्स, पूरा हाँ, भर के लाइट्स लगाते हैं, वैसे हाँ, ही यहाँ पे क्रिसमस पे होता है। हाँ, तो वही हम देखने के लिए आए हैं। और यहाँ जाने का रास्ता भी सेम वैसा ही आइस वाला है, पूरा आइस वाला रास्ता है, तो पता नहीं हम वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं। एंड जबकि पता है टेम्परेचर जो है ना वो पॉजिटिव में आ चुका है, मतलब 1 या 2 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर जबकि अभी, और बारिश भी हो रही है, बट स्टिल अभी भी ये स्लिपरी है, पाथवे तो पूरा स्लिपरी है, मतलब जहाँ पे रोड है ना वहाँ पे तो गाड़ियाँ चल रही हैं वो इतना नहीं है, बट जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं वो पूरा स्लिपरी है। तो वहाँ तक हम गाड़ी लेके जा सकते थे बट वो रोड क्लोज कर रखी क्योंकि वो ना डाउन हिल पर है घर, तो इसीलिए क्योंकि गाड़ियों के गई तो वो स्लिप होती पीछे नीचे तक चली जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी, तो इसलिए गाड़ी पहले ही खड़ी कर दिया है। वहाँ मस्त डेकोरेट कर रखा है क्रिसमस का, सेंटा बना रखा है वहाँ पे, है ना वो सेंटा पे क्या एयर हाँ? बलून, अच्छा एयर बलून, ओह और वो स्नोमैन भी बलून है। सही, नहीं इधर चलो ना। ये वाला सही है, पता है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ग्रिप नहीं बन रही बिल्कुल भी, हाँ ऐसे फिसल रहे हैं। पता है हम ना अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो हम मस्त शॉपिंग करके आए थे सिएटल प्रीमियम आउटलेट से, मस्त ना महंगी महंगी चीजें लेके आए थे, और ऐसे ग्लव्स जूते क्या आप ये सब लेके आए थे कि यार घूमने जा रहे हैं लेवनवर्थ तो वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होगी तो इसे ले लेते हैं, बट ना तो लेवनवर्थ हुआ ना कुछ हुआ। तो हम सोच रहे आस पास की जगहों पर ना घूम घूम के इन चीजों का मजा ले ले जो हम लाए थे, पहन के उनको यूज तो करें थोड़ा सा। तो जी ये रहा वो घर जिसकी हमने स्टोरी देखी थी, एंड देख रहे हो क्या मस्त इसने लाइटिंग लगा रखी है यार घरों के बाहर, इसने डिस्को बना दिया अपने घर को ना। रोड मतलब ये बर्फ देख ऐसे पड़े हुए जैसे क्रिस्टल्स लग रहे हैं, जैसे ना क्रिस्टल्स गिरे हों ऐसी है ये बर्फ, जैसे फ्रिज में जम जाती है ना बर्फ, हाँ, वैसी लग रही है। साइड में फ्रीजर हाँ, में वो निकालते थे पुराने फ्रिज में वैसे हाँ। और बंदे ने ना बाहर ही FM भी लगा रखा है, तो 90.1 FM चल रहा है, तो आराम से आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके नजारा मतलब ये नजारे के मजे लो और अपनी पार्टी शार्टी करो, दारू शरू पियो और मस्त गाने सुनो, पर गाड़ी FM में ही बैठे रहो हाँ। क्योंकि ये रोड पे है। बाकी मस्त बंदे ने सजा रखा है यार, काफी मेहनत लगी होगी इसको सजाने में, अलग ही अलग चीज करते हैं ना यहाँ पे लोग, है ना ऐसा। अब करते हैं एक और 2-3 घर और यहाँ पे जो कि अच्छे से सजा रखे हैं वो, और देखते हैं फिर चलते हैं वापस बेलव्यू स्क्वायर की तरफ, वहाँ पे देखेंगे परेड। और ये हम आ गए हैं एक और घर के पास जो भी इतना मस्त सजा रखा है, पूरा मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है इसके ऊपर। हमारे जैसे दिवाली में क्या होता है, मम्मी बोल रहे बेटा लाइट लगा दे लाइट लगा दे, वो एक हफ्ते बाद जाके लाइट लगती है, वो भी ऐसी बकवास सी। और यहाँ पे यार इसने कितनी मेहनत करके पूरा ये मैरी क्रिसमस सजाया है पूरा, ये मम्मी देखेगी तो बोलेगी ना, मम्मी देखेगी तो बोलेगी।
यार सेलिब्रेट मत करो, सेलिब्रेट है यार इनको, इतना वेदर हो रखा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, फिर भी तो ये डेकोरेशन देखो यार, अब मन डेकोरेशन का मैं जैसे इंडिया में बलून देते थे ना वो रेड लाइट पे लाइट्स वाले, वो वाले बलून दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बताए तो ड्रम्स ही बजा रहे हैं देखो तो पता है 11 बार जो हम जा रहे थे ना वहां पे भी ऐसे ही डेकोरेशन होता, बट इससे भी ग्रैंड लेवल पे होता वो, मतलब और भी बड़ा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना मस्त लगता वो, यही कितना मस्त लग रहा है वो तो और ही लाजवाब लगता है यार। ये देखो लाइट्स क्या मस्त लग रहा है, हाँ देख, ये देख स्नोफॉल लग रहा है, हाँ स्टार्ट दिल थाम के बैठिए। ओ, स्नो गिर रही है। और उधर देखो। तो जी ये थी बेलव्यू स्क्वायर मॉल की परेड, हाँ, काफी सही थी, प्लेन परेड, हाँ काफी सही थी, और कल और आखिरी दिन है इसका, मतलब कल और चलेगी, उसके बाद से बंद कर देंगे, 25 दिसंबर को ये नहीं चलाते, तो कल और आखिरी दिन था, बट हमने आज देख ली, तो मस्त थी परेड, मतलब फाइनली हम इतने दिन से प्लान बना रहे थे उसको देख ली, सुबह से हमारा ऐसे पोपट पोपट हो रहा था ना, तो रात में आके भगवान ने हमारी कहा कि कोई नहीं तुम्हें आराम से मैं सोने दूंगा, तो आशीर्वाद दे दिया, तो थोड़ा सा दिन अच्छा, रात अच्छी कर दी हमारी तो ठीक था। बाय द वे बने बारिश हो रही थी, काफी ठंडा, मतलब हाथ हमारे पता जम रहे थे, बट स्टिल वो भी परफॉर्म कर रहे थे, तो यार सही है, मतलब हाँ उनके लिए, मतलब आप देखोगे ना डांस में तो वो ऐसे से ठिठुर रहे हैं बट फिर भी कर रहे हैं, बस अब डिनर विनर के लिए देखते हैं, कई डिनर विनर करेंगे एंड देन वापस घर जाएंगे। तो यार हमें ना अपना एक पॉपर्ट और पता चला अभी कि जो तान्या के ग्लव्स है जो हमने कर लिए थे ये सोच के कि ये इसके हाथ गर्म रखेंगे, बट समहाउ वो हाथ ठंडे कर रहे हैं, मतलब इसने कल पहने थे कि यार हाथ ठंडे हो रहे हैं, उसमें गर्म नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, मैंने कहा तुमने ढंग से नहीं पहने होंगे वगैरह वगैरह, तो ठीक है आज भी ये सेम कह रही थी, मैंने कहा मुझे दे अपने ग्लव्स, तू मेरे ग्लव्स पहन, मैंने इसके ग्लव्स पहने तो मेरे हाथ गर्म थे वो ठंडे हो गए, वो ठंडे ही रह रहे, मतलब आई डोंट नो वो समर वाले ग्लव्स हैं जो हाथ ठंडा रखते हैं, हमने वो विंटर वाले ग्लव्स समझ के ले लिए, तो पता नहीं अजीब, वही तो थोड़ा अजीब है यार ये।
कुछ तो शू है, शू 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 दिखा दो मस्त है।